मलाई सोया चाप एक बहुत ही पॉपुलर नॉर्थ इंडियन करी है जिसे कि मोस्टली स्पेशल ओकेजंस या वेडिंग पे सर्व किया जाता है, लेकिन आप इसे घर में भी आराम से बना सकते हैं। बहुत इजी एंड क्विक है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं मलाई सोया चाप। तो ये सोया चाप करी बनाने के लिए मैंने लिए अबाउट 500 ग्राम्स ऑफ सोया चाप, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी सुपर स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले आप सोया चाप को वॉश कर लीजिए, हल्का सा पैड ड्राई कर लीजिए टॉवल से या किचन टॉवल से। उसके बाद हम इसको स्टिक से निकाल लेंगे। स्टिक से सब चाप निकालने के बाद इसको आप करीबन 1 इंच पीसेस में कट करके रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे सोया चाप कट कर देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। अब इसके मैरिनेशन के लिए सोया चाप को हम एक बोल में डाल देंगे और उसमें डालेंगे सॉल्ट अबाउट 1 टीस्पून, थोड़ा सा दही, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और एक नींबू का रस। इन सब चीजों को अच्छे से मिलाकर हम चॉप्स को रब कर देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से सोया चाप पे लग जाए। वैसे तो आप इसे बिना मैरिनेशन के भी बना सकते हैं, बट मैरिनेशन से फ्लेवर्स और अच्छे तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है ये, और जो हमारी मलाई करी है वो काफी फ्लेवरफुल बनती है। आधा घंटे के लिए हम इसको रेस्ट करने रख देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी के लिए ड्राई मसाला। ड्राई मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ 70 ग्राम्स ऑफ कोकोनट, जो ड्राई है सूखा नारियल, और इसमें डाला है 1/2 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी एंड 15 से 16 बादाम की गिरी। इन तीनों को मिला के हम इसका एक कोर्स पाउडर बना लेंगे, जो कि टेक्सचर इसका इस तरह से दिखाई देगा। ये ड्राई मसाला आप साइड में रख देंगे। अब सोया चाप की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसको हम गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा कटा हुआ प्याज, ये मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने, और इसमें डाल देंगे जावित्री या मेस। इन दोनों को करीबन 1 मिनट के लिए हम मीडियम हीट पे पका लेंगे ताकि इसका कलर जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे ड्राई पाउडर जो अभी हमने कोकोनट आमंड्स और कसूरी मेथी के साथ बनाया था। पाउडर और अनियन के मिक्स को हम रोस्ट करेंगे करीबन 2 मिनट के लिए। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे मैरिनेट किए हुए सोया चाप। सोया चाप थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं मैरिनेशन के बाद, तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए। सोया चाप को मसाले से अच्छे से कोट कर लेंगे और इसको कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट, सो दैट इसकी स्किन हल्की हल्की जब पकने लग जाएगी तब इसमें हम डालेंगे क्रीम। ये अबाउट 100 ml क्रीम लिया है मैंने यहाँ पे। आप चाहें तो 50 ml क्रीम एंड 100 ml मिल्क का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ क्रीम और मसाले को सोया चाप के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे काली मिर्च या ब्लैक पेपर और किचन किंग मसाला। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इन सबको अच्छे से मिला के मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 100 ml ऑफ वाटर। आप चाहें तो थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी थिन पसंद है इसकी, या आप राइस के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। 5 to 6 मिनट्स और पका लेंगे। ये हमारी सोया चाप ऑलमोस्ट रेडी हो गई है एंड इसको अब हम सर्व कर देंगे। आप इसे किसी भी प्लेट में या बोल में किसी भी चीज में सर्व कर सकते हैं। पराठे, चपाती, राइस सबके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। फाइनली इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए और हरी मिर्च के साथ। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक कीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।